गाइस आप लोग हम सबको भी साथ में देख रहे हो, वो सब हमारे चाहने वाले और आप लोगों की दुआ की वजह से है। नहीं तो भाई साहब 27 मई हमारे जिंदगी का सबसे ज्यादा डरावना दिन। हेलो गाइस, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपेरिमेंट टीवी के बारे में। तो इनका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसके बारे में उन्होंने बात करी अपने ब्लॉग में। हाल ही में मिस्टर इंडियन हैकर के अभी कार का एक्सीडेंट हुआ था एंड अब इनका हो चुका है। इससे रिलेटेड क्या कहा उन्होंने, कैसे हुआ था ये एक्सीडेंट, चलिए आप देखिए। आज मेरी कैपेसिटी का टेस्ट होने वाला है, मैं चैलेंज ले रहा हूँ 1000 किलोमीटर सुजुकी हायाबुसा कंटिन्यूअसली चलाने का। और घर से तो हम कुछ ऐसे ही निकले थे कि भाई साहब 2 या फिर 3 दिन हम घर वापस आ जाएंगे, बट कुछ रास्ते में ऐसा होता है जो कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं और हमारे सभी चाहने वालों की दुआ ना होती तो कुछ और हो सकता था। मतलब कहने में भी डर लगता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ से हमने सफर शुरू किया अपने घर से ही, और फर्स्ट हम गए द्वारका जो कि कुछ 200 किलोमीटर तक पड़ रहा था। तो वो 200 किलोमीटर का सफर एकदम स्मूथ रहा हमारे लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आई गाइस। बट जैसे ही हम द्वारका से निकले पहले जामनगर की तरफ, वो कुछ 130 किलोमीटर का सफर, वो भी ठीक ठाक निकल गया। बट गाइस रात के 2 बज रहे थे अगर मैं गलत नहीं तो, हाँ 2 ही बज रहे थे। और जामनगर पहुंचने के बाद हमने कंटिन्यू करना शुरू किया राजकोट की तरफ, और जहां पर ये चीज हुई गाइस हमने कुछ 350 किलोमीटर कवर कर लिए थे ऑलरेडी। हमारा चैलेंज था 1000 किलोमीटर कंटिन्यूअसली ड्राइव करना, वो भी हायाबुसा, ठीक है, राइड करनी थी मुझे। मतलब ये चैलेंज अपनी टीम के लिए नहीं था, मैं अकेला उस चैलेंज को कर रहा था कि मुझे हायाबुसा को 1000 किलोमीटर बिना थके कंटिन्यूअसली चला दे जाना है, चाहे दिन हो या फिर रात हो। तो हम इस चैलेंज को कर रहे थे, और भाई साहब जामनगर से राजकोट का जो हाईवे है उसके बीच कुछ ऐसा होता है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, और वो इतना भयानक था गाइस कि जब मैंने उस सीन को पहली बार देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक्चुअली में किलोमीटर जो मैं दूर चला गया था, और टीम थी गाड़ी के अंदर, और भाई साहब कोई पता नहीं शराब वगैरह पीकर एक ट्रक ड्राइवर आता है और गाड़ी को पीछे से बहुत बुरी तरीके से ठोक देता है। तो पहली जो टक्कर मारता है गाइस गाड़ी को, स्विफ्ट को, तो आप देख सकते हो हालत क्या हो। बट हाँ, जैसे मैं वहां पर पहुंचा सब लोग सही सलामत थे और किसी को कोई भी गाइस चोट नहीं लगी थी। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।